सो हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। सो गाइस आज की सुनाते हैं कि आप Realme C55 मोबाइल में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक कैसे सेट करेंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपने मोबाइल में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगाना तो कैसे लगा पाएंगे, तो डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए आप अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कीजिए और जैसे ही सेटिंग में जाते हैं तो आपको कुछ इस तरह इंटरफेस हो जाएगा। आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है फेस एंड फिंगरप्रिंट अनलॉक का ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपने कोई भी स्क्रीन पैटर्न या पिन लॉक बनाया रहेगा तो वो आपको यहाँ पर डालना है। अगर दोस्तों नहीं बनाया रहेगा तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने मिल जाता है, आपको फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे बता रहा है कि आपको फिंगरप्रिंट पहले से फिंगर लॉक लगाए हुए रहेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको फिंगर वन लिखा रहेगा। अगर दोस्तों आप फिंगरप्रिंट लॉक नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से दोस्तों आप अपने फिंगर सेंसर पे फिंगर को टच कीजिए। तो यहाँ से हम फिंगर सेंसर पे फिंगर को टच करवा लेता हूँ और जैसे ही दोस्तों हम फिंगर सेंसर पे फिंगर को टच कर लेते हैं तो ये लाइन दोस्तों आपका पूरा हो जाएगा। और जैसे ही दोस्तों पूरा हो जाता है उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे डन का ऑप्शन आ जाता है तो आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपके मोबाइल में दोस्तों स्क्रीन फिंगरप्रिंट लॉक सेट हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं फिंगर सेंसर फिंगर को टच करता है और हमारा मोबाइल जो है वो अनलॉक हो जाता है। इस तरह से दोस्तों आप अपने मोबाइल में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक सेट कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो सुनकर मिले, वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में।